हेलो गाइज, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सो गाइज, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल फॉर लेटेस्ट शेयर मार्केट वीडियो। अब मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहाँ पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी आपकी क्वेरी हो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइज, हम इस वीडियो में बात करेंगे ITC लिमिटेड, जो कि जबरदस्त कंडीशन है। अगर पीछे के 5 दिन की बात करें तो गाइज कितना उछाला है, इवन 203 रुपये से चल के ऑलरेडी ये 33 रुपीज़ ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। तो काफ़ी जबरदस्त कंडीशन है ITC की बात करें तो। सो गाइज, एट प्रेजेंट अगर आज के हाई की बात करें 238 रुपये 85 पैसे आज का हाई है, लो की बात करें 227 रुपये 25 पैसे आज का लो है, भावनिक हाई की बात करें 238 रुपये 85 पैसे इसका भावनिक हाई है। इट मीन्स कि इसने नया एक भावनिक हाई सेट कर दिया है। सो बाउनविक लो की बात करें तो 134 रुपये 60 पैसे इसका बाउनविक लो है। सो मैक्सिमम की बात करें तो गाइज, मैक्सिमम की बात करें तो काफ़ी ऊपर का शेयर हुआ करता था, इवन 350 रुपये के आसपास का शेयर हुआ करता था 2017 में, जुलाई 2017 में, और एट प्रेजेंट आपको 225 रुपये के आसपास, 250 रुपये के, 250 और 225 के बीच में इसका फ्लैक्चुएशन मार्केट में मिल रहा है। सो गाइज, इसको अभी एट प्रेजेंट अगर बात करें तो 200 रुपये के आसपास इसको ट्राई कर सकते हैं, 200 रुपये से नीचे मिले देन दैट विल बी एक्सीलेंट फॉर यू, एंड एक लंबे टाइम के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। सो गाइज, ITC की बात करें तो काफ़ी सारे अनाउंसमेंट हुए, इवन जो इसका फाइनेंशियल रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया है। सो उससे हम इसके पीछे के फाइनेंशियल की बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो पीछे के फाइनेंशियल की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर इसका जबरदस्त रहा था, इवन अच्छा खासा प्रॉफिट इसने अर्न किया था। सेकंड क्वार्टर की बात करें तो गाइज, इसका जो रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट 1.5 गुना के आसपास इंक्रीज हुआ था अगर कंपैरिजन करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो काफ़ी ज़बरदस्त कंडीशन है। इवन इसका डिविडेंड के बारे में भी अभी डिस्कशन चल रहा है, इवन और जो नेक्स्ट मीटिंग होगी ऑब्वियसली डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड का जो चीज़ें हैं वो भी कंसिडर होंगी उस नेक्स्ट मीटिंग में, जो कि 11th of February ये मीटिंग होगी, और उसमें ये इसका जो इंटरिम डिविडेंड है उससे रिलेटेड भी ऑब्वियसली अनाउंसमेंट होगी कुछ। सो गाइस, इसकी न्यूज़ पर चलते हैं, जो कि न्यूज़ की बात करें तो ITC बोर्ड टू कंसिडर इंटरिम डिविडेंड ऑन 11th February। सो ब्रोकर ITC will also announce its quarterly result on 11th February. 11th February को इसका quarterly result भी आएगा, plus इसका जो financial result के साथ साथ इसका जो interim dividend का है वो भी announcement होगा। The board of director of the company at meeting convinced for Thursday 11th February 2021 will consider declaration of interim dividend for financial year ending on 31st March 2021, ITC said in a statement to exchange. So काफ़ी दिलचस्प होगी ये चीज़ें। प्लस एक न्यूज बीच में आई थी कि जो रिपोर्ट एक बता रही थी कि जो कांग्रेस रिसीव ₹20 करोड़ इन डोनेशन फ्रॉम ITC बिटवीन अप्रैल 2019 एंड मार्च 2020, जो कि 4th of February को ये जो कि न्यूज जो रिपोर्ट बता रही थी कि जो कि 20 करोड़ का डोनेशन इसने कांग्रेस को दिया था। सो एज पर द रिपोर्ट वाइल द ITC डोनेटेड रफली ₹13 करोड़ इट्स सब्सिडरीज ITC इन्फोटेक एंड रशेल क्रेडिट लिमिटेड के ₹4 करोड़ एंड ₹1.4 करोड़ रेस्पेक्टिवली। सो ये भी जो कि रिपोर्ट बता रही थी, द ITC ग्रुप हैज एमर्ज एज द बिगेस्ट कॉर्पोरेट डोनर टू द कांग्रेस फ्रॉम अप्रैल 2019 टू मार्च 2020। द ITC एंड इट्स सब्सिडरी कंपनीज डोनेटेड ₹20 करोड़ टू द ग्रैंड ओल्ड पार्टी इन द सेम पीरियड। द इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट्स सिटिंग डेटा सबमिटेड बाय कांग्रेस टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज पर द रिपोर्ट वाइल द ITC डोनेटेड रफली ₹13 करोड़ इट्स सब्सिडरीज ITC इन्फोटेक एंड रशियल क्रेडिट लिमिटेड गेव ₹4 करोड़ एंड ₹1.4 करोड़ रेस्पेक्टिवली। हाउएवर मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी स्टिल कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रल ट्रस्ट फ्रॉम अप्रैल 2019 टू मार्च 2020 द कांग्रेस रिसीव द डोनेशन ऑफ ₹55 करोड़ फ्रॉम 2 ट्रस्ट प्रूडेंट इलेक्ट्रल ट्रस्ट एंड जनकल्याण इलेक्ट्रल ट्रस्ट। द प्रूडेंट इलेक्ट्रल ट्रस्ट विच डोनेटेड ₹30 करोड़ एंड इज बैक बाय भारतीय एयरटेल ग्रुप एंड DHFL। सो ये जो कि रिपोर्ट के मुताबिक जो कि अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच में 20 करोड़ जो कि ITC ने कांग्रेस को
डोनेट किया था, कांग्रेस को डोनेशन मिला था आईटीसी से। सो ये एक न्यूज है, प्लस इसकी एक जो कि ऑब्वियसली आईटीसी हिट न्यू 52 वीक्स हाई, अप 18% इन 5 डे, बोर्टुमल इंट्रीम डिविडेंड। सो जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि एक जो कि 11th of February को एक जो मीटिंग होनी है उसमें ऑब्वियसली उसका रिजल्ट भी अनाउंस होना है, जो कि मैंने आपको बताया है कि इसका जो रिजल्ट है वो 11 फरवरी को जो कि इसके साथ ही अनाउंस होगा। प्लस इसने इवन जो बोनस शेयर भी इश्यू किया था काफ़ी पुराना, जो कि 2016 में, तो काफ़ी ज़बरदस्त कंडीशन है। तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। शेयर ऑफ आईटीसी एक्सटेंडेड देयर रैली टू द 5th straight day ऑन फ्राइडे एज द स्टॉक जंप 4% टू हिट अ फ्रेश 52 वीक्स आई ऑफ रुपीज 239 ऑन द PSE इन इंट्राडे ट्रेड। स्टॉक हैज सर्ज्ड 18% इन पास्ट 5 trading days एज देयर वॉज नो मटेरियल अनाउंसमेंट इन द बजट दैट वुड सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट एनी ऑफ द कंज्यूमर स्टॉक। ITC हैड हिट एन इंट्राडे हिट हाई ऑफ रुपीज 239.25 ऑन प्रीवियस ईयर बजट डे February 1, 2020. Meanwhile, ITC today informed Stock Exchange that the board of directors of the company will also consider a declaration of interim dividend for the financial year 2021 in the forthcoming meeting. The company is scheduled to announce its October-December quarter results on Thursday, February 11, 2021. Given the increasing pace of recovery in the economy, the outlook for the consumer sector is immensely optimistic. The lack of additional GST or cess on cigarettes is seen as a major positive for ITC, according to analyst. No tax or duty increases on cigarette is relief for cigarette companies. We have seen stable taxation on tobacco post GST implementation in the last three years, with only 1 year tax increase only in 2020 budget. ICICI Securities said in Union Budget Review 21-22. During the GST regime, after about 40 GST meetings, there has been no change in the tax rate for cigarettes. For ITC FMG business, EBITDA earning before tax interest tax depreciation and amortization margin expansion is on track. We forecast ITC would achieve and sustain a double-digit EBITDA margin over the next few quarters. The cigarette opportunities in India remains attractive given low per capita consumption, analyst at Edelweiss Securities said in a stock update. ITC saw strong growth during the July to September quarter within 75% of its FMCG portfolio comprising foods, healthcare, hygiene, jo ki 25% year on year up. The growth was supported by 70 plus new launches made by the company during one half of financial year 21, primarily in the hygiene category. The company also made several new launches within its food portfolio to capitalize on the increased demand for packaged food during the lockdown. Despite steep taxation and price hike, ITC has maintained its leadership in cigarette. The company is driving volumes through innovative launches. It has also focused on improving operational efficiency and it is ramping up its capsule manufacturing capabilities, HDFC Securities said in FMCG sector update. So काफ़ी दिलचस्प होने वाला है इसका रिजल्ट भी, प्लस इस जो डिविडेंड का जो अनाउंसमेंट भी होने वाला है इसके साथ रिजल्ट के साथ। तो गाइज ITC को मैं अभी बता रहा हूँ कि हो सकता है कि मार्केट मंडे को माइनस में भी चली जाए, क्योंकि अगर अभी इस वीक की बात करें तो टोटली प्लस में थी मार्केट, और जो कि एक छोटा प्लस नहीं था। इवन जो फर्स्ट डे जो प्लस हुआ था 1st of February को, जिस दिन रिजल्ट जो बजट आया था उस टाइम पर मोर देन 2000 पॉइंट प्लस में थी मार्केट। सो गाइस टोटली हाइक पर है, थोड़ा सा ध्यान रखें। तो
ताकि आप मार्केट को डिनाई नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। मार्केट जो उसका जो सेंसेक्स है अभी जो पीक पर है उसको देख के चलेंगे, और जो कि जितना हो सके कम प्राइस में शेयर उठाएंगे, देन दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जो कि नीचे आएगा तो इतना एवरेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो थोड़ा सा वेट करें कोई भी शेयर लेने के लिए। और इसका भी मैंने बताया आपको, एटलीस्ट 200 रुपये के आसपास मिले देन यू नीड टू ट्राई, फॉर श्योर यू नीड टू ट्राई। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सो प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर।